इतनी अच्छी जगह की आवाज़ आ रही पीछे से आई कि आगे से कहाँ बाहर अल्लाह ताला हम सबका यहाँ आना बैठना सुनना और पढ़ना अपनी बात हमें कबूल करना है कि वो महफिल है कि जहाँ जिसके लिए न्याजी साहब ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है क्या कहें वही जिनको सरकार बुला है। आप अपना एक कदम से दूसरा कदम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं उठा सकते तो फिर इस महफिल के लिए तो अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को चुना है कि जो उसके हबीब का जिक्र मोहब्बत से करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और यकीनन ये मोहब्बत है आप सबकी और खुसूसी तौर पर सोहरवर्दी फैमिली की जवेरिया की कि इन लोगों ने इस मोहब्बत के साथ हमेशा उन्हें बुलाया है। हम खुद कुछ नहीं हैं ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है कि जिसकी वजह से हमें पूछा जाता है वरना कोई औकात नहीं है हमारे आमाल इस काबिल हैं कि कोई हमें पूछे। बहरहाल अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसा अमल की जो हमें अल्लाह उसके रसूल का के करीब कर दे। असल तो कुर्ब है उसके ज़रिए फिर बहुत कुछ मिल जाता है। तो जब हम ऐसे जिक्र में शामिल हों तो हमारी सबसे बड़ी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे इस महफिल के ज़रिए इसके फयूज़ बरकात के ज़रिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाए हमें इतनी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मिल जाए कि हम नेक आमाल की तरफ चले जाएँ। हम यह दुआया कलाम से आवाज़ करें और चाहूँगी कि आप सब मिल के अल्लाह के बारगाह में उनका नजराना पेश करें।
हिंज पिया पर शक रखते हैं नाऊज़ बिल्ला, तो उनके लिए शायर ने लिखा है कि कल जो पुल से पार कराने वाले हैं वो कौन है, वो ज़हरा के बाबा हैं और वो हसनैन के नाना हैं। तो जब दुनिया में इन्हें राज़ी करेंगे तभी तो हुजूर राज़ी होंगे, और जब हुजूर राज़ी होंगे तभी पुल पार होगा। तो इसलिए अपने जहनों में ये बिठा लें
कि जब तक अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं रखेंगे, उनको राज़ी नहीं करेंगे, तो हुजूर को भी राज़ी नहीं कर सकते। आम तौर पर ही देख लीजिए, आप अपनी औलाद के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा आपके दिल में उनके लिए जज्बात होते हैं कि कोई आपकी औलाद को कुछ कहे तो हमेशा के लिए उससे दिल ख़राब हो जाता है, चाहे वो सॉरी भी कर ले आपसे, हो जाता है कि नहीं। तो बस अहले बैत अतहार को मना लीजिए तो हुजूर भी मान जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर बेड़ा भी पार लग जाएगा। इसलिए शायर कह रहे हैं कि ज़ाहरा कहो बाबा गे अपने नजारे।
मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा शायर की बात यकीनन उन्होंने लिखा है तो बहुत कुछ देखा होगा जब भी ऐसा लिखा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि जिसने दरबार रिसालत ज़ियारत की है, जिसने दरबार रिसालत की ज़ियारत की है, ज़ियारत की है, उसकी नजरों में कोई नजरों में कोई और समाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने सलाम अलैका।
एक ख्वाब सुनावा और नूर पे जावा Oh,
मौलाउद्दीन भी आवे है मंगता मदीने जावे, मौलाउद्दीन भी आवे है मंगता मदीने जावे, मौलाउद्दीन भी आवे मंगता मदीने जावे।
जो जो मोहम्मद के तेरा
रहेंगे।